आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला है सिंपलीफाई एंड राइट द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, सिंपलीफाई करना है मतलब यहाँ पे ये ऐसे डैश जो बना हुआ है, ये क्या है? डिवीजन। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय 9, ये 1 डिवाइडेड बाय दिस, ये 1 डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पे डिवीजन भी आ रही है, एडिशन भी आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा? बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का यूज करना पड़ेगा। बॉड मास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद डिवीजन। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय 9 होते हैं, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम लिखते हैं कैसे? अब मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ए बी बाई सी ऐसा फॉर्मेट होता है, तो किसके इक्वल होता है? ए इंटू सी प्लस बी ओवर सी। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस बी होल डिवाइडेड बाय सी। ये सॉर्ट ऑफ हमारा क्या है? एडिशन सॉर्ट ऑफ योग है कि हमें दिया हुआ दैट ए प्लस बी बाई सी। अगर उसको उस फॉर्म में देखा जाए तो वैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बोला हुआ कि 1 को हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे a इंटू सी प्लस बी, 5 3 15 प्लस 1 इज 16 बाय 5। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 2 6 प्लस 2 इज 8 बाय 3। ठीक है, अब ये डिविजन है, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 9 बाय 2, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए। डिनोमिनेटर ऊपर चले गया, 9 ऊपर आ गया एंड न्यूमरेटर जो था नीचे आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन साइन, प्लस 1 इंटू 5 बाय 16 प्लस 1 इंटू 3 बाय 8। ठीक है, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर सारे हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं एंड हम एलसीएम अगर लेना चाहें तो 16 बनेगा हमारा एलसीएम। तो 16 एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ पे इंटू 8 इंटू 8, तो 8 9 जार 72 आएगा। ठीक है, इंटू 8 बाय इंटू 8, 72 बाय 16, ये हो गया प्लस 5 बाय 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 6 बाय 16। तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 5 इज 11, 11 एंड 72 दैट इज 83 होल डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब आंसर हमसे पूछा था डेसिमल फॉर्मेट में, यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट, देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 83 बाय 16 अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 5.1875। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।